तो क्वेश्चन नंबर इस डीपीपी में अपने को क्या करना है, इस वीडियो में हमको 6, 11, 12 तीन क्वेश्चन बस करने हैं, बाकी तो मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि अपने से कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, टिल कहाँ तक गया भाई? भाई साहब टिल सम एक्स फैक्टोरियल है ना, एक्स फैक्टोरियल। इसका आंसर क्या आ रहा है? कुछ नलायक का स्क्वायर, मतलब सम परफेक्ट स्क्वायर आपका आंसर आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है? कुछ परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, तो आपका एक्स का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है, व्हाट कैन बी द वैल्यूज ऑफ एक्स? हाँ ठीक है, करते स्टार्ट। देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या सोचा कि ये वैल्यूज जो है ना वो मैं लिख सकता हूँ, मैंने सोचा लिख के कर लेते हैं। लिख के करोगे अगर आप, तो देखो 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है, ये सब पता है ना अपने को। ऊपर लिख दूं मैं वैल्यू, 1 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 6 24 120, नेक्स्ट वाला 720, ठीक है ऐसे होता है। तो मैंने क्या करा, जोड़ना स्टार्ट करा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, प्लस आगे का मैं देखूंगा, है ना, आई विल सी आगे का मैं देखूंगा। मैंने जोड़ना स्टार्ट करा इन चारों को, जब मैंने जोड़ा 4 फैक्टोरियल तक जब मैंने जोड़ा, तो आंसर क्या आया? 8 9 24 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 34 माइनस 1 33, 33 आया इसका सम। समझ आ रहा है आपको? यहां तक का सम कितना है? अप टू 4 फैक्टोरियल आपका सम कितना है? 33। 5 फैक्टोरियल में देखा अपन ने क्या रहा, 120। मैंने कहा अच्छा अच्छा 6 फैक्टोरियल में क्या रहा, 720। मैंने फिर से कहा अच्छा अच्छा 720। अच्छा अच्छा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लास्ट में 0 है ना, और लास्ट डिजिट से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। 8 फैक्टोरियल क्या होता है? 5040। अगेन अच्छा अच्छा लास्ट में 4, अरे लास्ट में भाई 0 है ना। ओके ओके ओके, डैश 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 टिल एक्स फैक्टोरियल, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान रखिएगा इस बात को, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो यार मैंने ये सोचा कि परफेक्ट स्क्वायर होते कैसे, अगर लास्ट में 1 हो तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या आएगा? 1 आएगा। अरे 1 स्क्वायर 1 होता है, लास्ट में 2 हो तो परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा? 4। लास्ट में 3 हो तो परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा? 9। सारा लिख दे, चलो 4 के स्क्वायर में आएगा 6, 5 के स्क्वायर में आएगा 5, 6 के परफेक्ट स्क्वायर में अगेन 6, 7 के परफेक्ट स्क्वायर में 9, 8 के परफेक्ट स्क्वायर में 64 मतलब 4, 9 के परफेक्ट स्क्वायर में 1 और 0 के परफेक्ट स्क्वायर में 0। ओके पक्का? एक बात नोटिस कर रहे हो आप लोग, लास्ट में कितने नंबर आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 1 4 6 9, 1 4 6 9 5 0, बस यही नंबर लास्ट में आते हैं परफेक्ट स्क्वायर के, 1 4। कोई भी दुनिया का कोई भी फर परफेक्ट स्क्वायर ले लो आप, लास्ट में आपको 1 4 6 9 5 या 0, यही 5 डिजिट मिलेगी उसके यूनिट प्लेस में। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर, अरे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लो आप, टेल मी एनी परफेक्ट स्क्वायर इन दिस वर्ल्ड। जैसे 68 × 68 आप करोगे तो आपको मिलेगा 4 6 2 4, 68 × 68 क्या मिला? 4 6 2 4। लास्ट में क्या आया? इन्हीं में से कोई एक डिजिट, ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से कराया ऑब्वियसली, है ना। ओके 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 ओके, समझ गए ना आप? तो लास्ट में कौन आता है? ये, इनके अलावा, इनके अलावा अगर अगर चलो जैसे मैं आपको ये नंबर दे दूं ना 3137 और बोलूं कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप हंस दोगे मेरे ऊपर, बोलोगे अबे लास्ट में 7 आ रहा है, कम से कम इनमें से कोई एक डिजिट होता तो अपन सोचते, लेकिन 7 में तो अपन तुरंत मना कर देंगे कि दिस इज डेफिनेटली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। या आपको मैं ऐसा दे दूं 5133 ऐसा बोल दिया, क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? आप बोलोगे लास्ट में 3 है, इनमें से एक भी नहीं है, फिर आप हंस दोगे अबे लास्ट में अगर इनमें से कोई एक होता तो हम सोचते, तब हम सोचते, तब भी कोई गारंटी नहीं है बट हम तब सोचते। अच्छा 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 चलो, इतना अपने को समझ में आता है ना। अभी देखो ये कितना है, फर्स्ट 4 नंबर का सम कितना था? 33। अब यहाँ पे हमेशा 0 आ रहा है, लास्ट डिजिट हमेशा 0 है। जब आप इन सब को, बच्चों ध्यान से देखना, आगे हर बार 0 आएगा, हर बार 0 आएगा, क्यों भाई क्यों 0 आएगा हर बार?
क्यों जीरो आएगा हर बार? क्योंकि आपको 5 फैक्टोरियल में एक बार 10 तो मिल जाएगा ना, 5 फैक्टोरियल में आपको 2 भी मिलेगा 5 भी मिलेगा विच विल गिव यू अ 10 मतलब 0। 6 फैक्टोरियल में भी आपको 10 मिलेगा, 2 और 5 मिल जाएंगे, तो 0 तो मिलेगा ही मिलेगा लास्ट में। तो लास्ट में हमेशा आपको 0 मिलेगा यहाँ पे, और कुछ भी हो सकता है, इनका एडिशन है ना, कुछ भी हो सकता है। और आपको इसको अगर 33 से जोड़ना हो, 33 से जब आपको इस नंबर को ऐड करना, तो लास्ट में 3 आएगा ही आएगा, लास्ट में 3 आएगा ही आएगा, समझ में आ रहा है? और अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 3 आता है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है किसी का भी? ये होना चाहिए लास्ट में 0, 1, 4, 6, 5, 4, 6, 5, 9, ये होना चाहिए, 3 तो नहीं होना चाहिए लास्ट में। तो आप बोल दोगे कि ये इसके बाद के तो नंबर आप लो ही मत। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ तक 33 सम, यहाँ तक 33 और इसके बाद 0, तो 3 और 0 को कॉम्बिनेशन आपको 3 देगा ही देगा। तो आप 5 फैक्टोरियल के बाद कुछ भी मत लो, क्योंकि आपको लास्ट में हमेशा 3 मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने बोला क्या करूँ आप, तो फिर उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब जो जिसको इसका आंसर आता है, उसने कहा कि आप बस शुरुआत के 4 में से ना देख लो, हिट एंड ट्रायल करके देख लो, और क्या, शुरुआत के 4 में से आप हिट एंड ट्रायल करके देख लो सर। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी कर लेते यार, है ना, जिंदगी में आया तो ये भी कर लेते। तो मैंने कहा कि फर्स्ट 4 ले लेता हूँ, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ये तो मेरे को पता है 33 है, 33 इज डेफिनेटली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। मैंने इसको हटाया अब लास्ट वाले को, ये 3 का देखा, बताओ भाई 6, 2, 8 और 1, 9, 9, हाँ दिस इज डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ 9, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, समझ में आ रहा है आपको? तो ये कॉम्बिनेशन आपको सही आंसर दे रहा है 1, 2, 3 वाला। फिर मैंने बोला 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल लेते, इसको हटा देते ना, अपन सब चेक करके देख रहे। तो 1 प्लस 2, 3, 3 इज डेफिनेटली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये हटा दो, ये भी हटा दो। फिर देखा आपने जस्ट वन फैक्टोरियल मतलब 1, 1 मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर, करेक्ट। तो आपके पास कितने आंसर आ रहे? 2 आंसर आ रहे, मतलब आप जो x का वैल्यू था यहाँ पर, ये जो x का वैल्यू था, अगर आपने वो 3 रख दिया, 3 मतलब 3 फैक्टोरियल तक, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर वो x का वैल्यू आपने 1 रख दिया, तो आपको सिर्फ 1 फैक्टोरियल तक, तो भी आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो आपको कितने आंसर मिलेंगे? ओनली 2 आंसर्स, ठीक है, ओनली 2 आंसर्स। मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ कि इसके बाद का अपने को नहीं लेना है, क्योंकि फिर आपको लास्ट में 3 मिलेगा ही मिलेगा, तो क्या फ़ायदा। तो इसके बाद का हम लोग नहीं लेंगे, इन चारों में अपन मामला सुलझा देंगे, इन चारों से आंसर आना है। इसके बाद तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 33 है, तो 33 और 0 आपको लास्ट में 3 दे देगा, है ना। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 एंड 12, ये दो क्वेश्चन आपसे हो गए होंगे ना, मैं करा देता हूँ। तो अपने से ये भी हो गया, सारे हो गए लगभग। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो वो भी मैं करा ही दूंगा, अगर टाइम इजाज़त देता है तो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई? 11th क्वेश्चन कहता है, अच्छा भाई, नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 9। हाँ ये वाला आपको दिक्कत गई होगी, ये तो यार अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि आपको 0 से 9 तक का नंबर लेना और उसमें से रिपीटेशन नहीं करनी है। तो नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 9, इफ ईच डिजिट इज यूज्ड ऑलमोस्ट वंस, आंसर क्या आएगा इसका? k into 8 factorial। तो व्हाट इज द k? हर डिजिट को एक ही बार यूज करना है, और आपको 9 डिजिट का एक नंबर बनाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट का एक नंबर बनाना है, किन डिजिट्स को यूज करके? 0 to 9। और आपको रिपीटेशन नहीं करना है, आपको रिपीटेशन नहीं करना है, समझ में आ रहा है पक्का? पता नहीं, देखते अभी अपन ने समझाया कहां इसको, रिपीटेशन आपको नहीं करना है। तो टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं अगर आप में जो वो बता दूंगी ना, तो भी बहुत इनफ है। यहाँ पे आप 9 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट फिल 0 एट द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि फिर वो 8 डिजिट का नंबर बन जाएगा। फिर आप मान लो यहाँ पे आपने 7 रख दिया, तो यहाँ पे आप 7 के अलावा हर कुछ नंबर रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो। अब आपके पास 0 to 9 में 7 के अलावा कितने नंबर बचे? 9। मान लो यहाँ पे आपने 6 रख दिया, मान लो अब यहाँ पे 8 चॉइसेस, फिर यहाँ पे 7, सो ऑन।
ऐसे करके 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक जाएगा। तो इतने नंबर्स तो बन सकते हैं, लेकिन आपको वो सारे नंबर्स कैसे चाहिए? 9 से डिविजिबिलिटी। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 9 कब होता है? 3 जैसे ही होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। जितने भी डिजिट हो अपने पास उस नंबर में, वो 9 से डिविजिबल होने चाहिए। एग्जांपल देता हूं मैं आपसे, जैसे 5, 4, 0, क्या ये 9 से डिविजिबल है? हाँ, क्यों? क्योंकि सब डिजिट्स का, इसके जितने भी डिजिट्स है उन सब का सम कितना आ रहा है? 9। 5 + 4 + 0 = 9, 9 इज डिविजिबल बाय 9, तो सम शुड बी डिविजिबल बाय 9। ये होता है 9 का डिविजिबिलिटी, इनकेस आपको नहीं पता होता, बट पता होना चाहिए सब तो आपको ना। 11 तक का डिविजिबिलिटी अपने को आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो यार मैंने बोला कि आपको डिजिट्स रिपीट नहीं करने हैं, डिजिट्स आपको रिपीट नहीं करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो? डिजिट रिपीट नहीं करने हैं आप, तो आप पहले एक काम करो, 0 के अलावा सारे डिजिट यूज कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे डिजिट यूज करके 9 डिजिट नंबर बना लो। अरे बनाओ भाई, बनाओ, 0 को एक्सक्लूड कर दो। 0 को अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे तो आपके पास कितने डिजिट बन पाएंगे, कितने ऐसे डिजिट बन पाएंगे जो 9 से डिविजिबल हो, वो अपने को देखना है। तो मैंने बोला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पहली प्लेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? मेरे पास बस यही नंबर्स अभी अवेलेबल है, 0 के अलावा मैं देख रहा हूँ, 0 के साथ में बाद में देखूंगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, 8 वेज, 7 वेज, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर क्या है आपका? 9 फैक्टोरियल तरीके से आप अभी टोटल नंबर बना सकते हो। टोटल नंबर आप कितने तरीके से बना सकते हो? 9 फैक्टोरियल। उनमें से कितने नंबर 9 से डिविजिबल होंगे, एक्चुअली वो अपने को देखना है। मैंने सोचा कि देखो नंबर्स तो यही यूज हो रहे हैं और रिपीट नहीं हो रहे, रिपीट बिल्कुल नहीं हो रहे। मतलब मान लो कि यहाँ पर अगर 8 आ गया हो और यहाँ पर अगर 7 आ गया हो, 6 आ गया हो, तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा दोबारा, यहाँ पे कुछ और नंबर आएगा। हो सकता है यहाँ 3 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, 1 आ जाए, यहाँ 2 आ जाए। ऑल द नंबर्स आर डिस्टिंक्ट। अरे भाई, ये जो नंबर बना रेड से, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल नंबर्स, है ना? और इन्हीं सब डिजिट्स को नचा दो आप आपस में, एकदम पागलों की तरह नचा दो 9 फैक्टोरियल तरीके से, तो आपके पास 9 फैक्टोरियल अलग अलग नंबर्स आ जाएंगे। 9 फैक्टोरियल्स अलग अलग नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। समझ में आ रहा है? ओके, रिपीटेशन हुआ तो आप लोग दे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 इटसेल्फ आ गया। हाँ, तो आपको इन्हीं 9 डिजिट को यूज करना है, है ना? तो जो भी नंबर बनेगा, अरे जो भी नंबर बना भाड़ में गया, उन सारे नंबर्स के डिजिट्स का सम, ये सारे डिजिट्स का सम देख लो आप, क्या वो 9 का फैक्ट 9 का मल्टीपल आ रहा है? चलो देखते हैं। 7 + 2 = 9, 6 = 15, 16 = 21, 25, 33, 43, 42, 45, इन सारे डिजिट्स का जो सम आ रहा है दैट इज 45। मेरी बात ध्यान से सुनो, इनको आप कहीं पे भी रखो, 9 की 9 डिजिट को आप कहीं पे भी रखो, सबका सम तो 45 आएगा ना भाई। तो मतलब इतने नंबर्स बनेंगे आपके। 9 फैक्टोरियल जो होता है वो बहुत बड़ा नंबर होता है, इतने नंबर जो है आपके बनेंगे टोटल, और सारे के सारे 9 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि सबका सम 45 आएगा भाई। व्हाट इज दिस? सबका सम 45 आएगा ही आएगा, तो अच्छी बात है भाई। तो टोटल 9 फैक्टोरियल, दे आर डिविजिबल बाय 9 व्हेन वी एक्सक्लूड 0। अगर आपने 0 को एक्सक्लूड करा तो आपके पास जो डिजिट्स बनेंगी, है ना, वो डिजिट्स कौन कौन सी बनेंगी, मतलब डिजिट्स जो बचेगी वो ये सारी बचेगी। इनसे जितने भी नंबर बनेंगे सबका सम 45 आएगा, 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 9। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है कि इतने सारे 9 फैक्टोरियल नंबर्स, 9 फैक्टोरियल नंबर्स, दे विल ऑल बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है? तो एक्चुअली ये कितना आ जाएगा? 362,880। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ, 362,880, 3,62,880 नंबर जो होंगे वो फॉर्म हो सकते हैं। और मजे की बात क्या है ना कि सारे के सारे 9 से डिविजिबल होंगे, सब के सब, व्हेन वी यूज
वन से लेकर नाइन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं ना, जीरो को इंक्लूड करते हैं और वन को एक्सक्लूड करते हैं। दो मिनट का काम है, दो मिनट का। देखो जीरो को इंक्लूड करा, वन को एक्सक्लूड करा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इन सबको भी एक्सक्लूड करा। ऑब्वियसली यार नाइन डिजिट तो लेने ही ना आपको, तो सबसे पहले आप क्या करो, कितने नंबर्स बन रहे वो सब भाड़ में जाए, वो सब भाड़ में गया, आप ये देखो कि इनका सम जो आ रहा है वो नाइन का मल्टीपल आ रहा है क्या। करो भाई, सबका सम कितना आता, 45, 45 में से अगर आपने 1 हटा दिया तो कितना बचेगा, 44, 44 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5। तो इससे आपके कितने भी नंबर्स बनेंगे, कितने नंबर्स, 8 फैक्टोरियल इंटू 8 नंबर्स बनेंगे, 8 फैक्टोरियल, वो आप करके देख लो ना, इतना अपन ने पीएनसी पढ़ लिया है, पहली जगह 8, दूसरी जगह भी 8, फिर 8 से लेकर 1, मतलब 8 फैक्टोरियल इंटू 8, इतने नंबर्स जो बन रहे हैं वो 9 से डिविजिबल ही नहीं है, तो भाड़ में गए, अपने को क्यों देखना भाई, छोड़ो। फिर अपने क्या करा, जीरो को इंक्लूड रखा ही था, वन अभी इस बार क्या करा, टू को एक्सक्लूड कर दिया। अब मैं क्या समझ गया हूं, टू को एक्सक्लूड करोगे तो आपका सम कितना आएगा, 43, अगेन नॉट डिविजिबल बाय 9। अरे भाई टू को एक्सक्लूड करोगे तो 45 माइनस 2, फिर आपने अगर 3 को एक्सक्लूड करा तो 45 माइनस 3, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो मैं फटाफट देखता हूँ ना, आगे 4 को एक्सक्लूड करोगे तो 41, 5 को एक्सक्लूड करोगे तो सम जो आएगा डिजिट्स का वो 40 आएगा, 4 को एक्सक्लूड करोगे तो सम जो आएगा वो 39 आएगा, दिस इज अगेन कोई भी मल्टीपल ऑफ 9 नहीं है। 3 को एक्सक्लूड करने पे सम आएगा 38, 2 को एक्सक्लूड करने पे आएगा 37, और 1 को एक्सक्लूड करने पर, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, 8 को एक्सक्लूड करें ना, आप समझ गए ना, बारी बारी से जैसे 5, 6, 7, 8, 8 को एक्सक्लूड कर दिया अपन ने, अगर 5, 6, 7, 8, 8 को एक्सक्लूड करने पे 37, और 9 को अगर एक्सक्लूड कर दिया तो 36, ये है मल्टीपल ऑफ 9। 9 को एक्सक्लूड करने पे बात बन रही है, 9 को एक्सक्लूड करना मतलब किसको इंक्लूड करना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको इंक्लूड करना, मतलब इन डिजिट से आप 9 डिजिट का नंबर बनाओ, हमेशा 9 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि सम उनका क्या आएगा, 36। तो मैंने बनाने की कोशिश करी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बनाया। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय टोटल नंबर्स कितने थे मेरे पास, 9, बट मैं 8 तरीके से भर सकता था, बिकॉज आई कैन नॉट फिल 0 एट द फर्स्ट प्लेस। फिर यहाँ पर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो यहाँ से यहाँ तक 8 फैक्टोरियल इंटू 9, ये वाले नंबर्स, इतने नंबर्स 9 से डिविजिबल है, और इतने नंबर्स भी 9 से डिविजिबल है। तो कितने नंबर्स टोटल डिविजिबल है 9 से, 9 फैक्टोरियल प्लस ये वाला नंबर ना, ये कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल इंटू 9। आपका आंसर क्या था, k इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से 8 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 9, और यहाँ से 8 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो 8 फैक्टोरियल इंटू 8 आया ना, हाँ ये 8 है ना इधर, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 8, 9 प्लस 8 इंटू 8 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू k इंटू 8 फैक्टोरियल, k आ गया आपके पास 17, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 1000 डिविजिबल बाय 5 कैन बी फॉर्म विद 10 डिजिट्स ईच नॉट अकरिंग मोर देन वंस इन ईच नंबर। अरे दो सेकंड का सवाल, बता ही देता हूँ, दो सेकंड का सवाल है ना, देखो आप इसको खत्म करते हैं अपन, डीपीपी नंबर 2, कल से अपन डीपीपी नंबर 3 देखेंगे, ओके ध्यान से देखना बच्चों, बस दो मिनट में हो जाएगा। 1000 से छोटे कितने नंबर हो सकते, बहुत सारे हो सकते, 3 डिजिट भी हो सकते, 2 डिजिट भी हो सकते हैं, और 1 डिजिट भी हो सकते हैं, ठीक है। 5 के, 5 से डिविजिबल होने चाहिए नंबर्स बस, तो आपको 5 के मल्टीपल्स बताना है जो कि 1000 से छोटे होंगे। तो इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, लास्ट में आप 0 डाल दो तो 5 से डिविजिबल है, या लास्ट में आप 5 डाल दो तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 0 को यहाँ पे हिंज कर दो, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वेज, सेकंड 8 वेज, मैं 9 नहीं बता रहा हूँ क्यों, 9 इसलिए क्योंकि आप 0 ये नहीं यूज़ कर सकते हो, मान लो आपने 6 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, पहली जगह पर 6 आ गया, तो यहाँ पर अब 6 नहीं आ सकता, 6 यहाँ पर नहीं आ सकता,
तो यहाँ पर अब कौन नहीं आ सकता, सिक्स नहीं आ सकता, और ये लास्ट वाला जो जीरो है वो भी नहीं आ सकता है क्योंकि वो रिपीट नहीं करना ना, पांच के आगे वाली गिनती गलत लिखी है। अरे बहुत लेट हो गए यार तुम, कोई बात नहीं वो मैंने सही भी कर दिया। तो 9 × 8 यहाँ से 72 नंबर्स बनेंगे। 5 को अगर आपने हिंज कर दिया है तो यू कैन नॉट यूज 5 हियर, एंड 0 तो आप वैसे भी यूज नहीं कर सकते, तो 8 चॉइसेस। फिर मान लो यहाँ पे आपने 7 डाल दिया, तो यहाँ पर आप, अरे इसलिए बोलता हूँ मान लो ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पे आप 7 नहीं डाल सकते हो और 5 अपन ने थर्ड प्लेस पे हिंज कर रखा है तो रिपीट नहीं करना, तो 5 भी नहीं डाल सकते हो, बाकी सब डाल सकते हैं। हाँ कितने बचे अपने पास चॉइसेस, 8, 8 8 64, 64 प्लस 72 136, ये हो जाएगा 136। टू डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, जीरो को रखा है यहाँ पे, यहाँ कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ मैं, 9 है ना, जीरो छोड़ के आप सब कुछ डाल सकते हो, यहाँ पे एक ही तरीका, तो ये टोटल 9 तरीके से, प्लस 5 को फिक्स करा अपन ने, तो यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, जीरो तो वैसे भी नहीं डाल सकता था, आप 5 भी नहीं डाल सकते, तो 8, तो 9 और 8 कितना हो गया 17, और सिंगल डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 ही होगा भाई, 1, तो कितना आ गया आपका आंसर, 136 प्लस 17, 9, 8, 17, 136 प्लस 17 प्लस 1, 6, 3, 4, 154, ठीक है, 154 विल बी योर आंसर।